हेलो चिल्ड्रन, मैं मिस अक्षरा जोरी, आपकी ड्राइंग टीचर मातोश्री नेशनल स्कूल से। बच्चों, आज का लेसन हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होगा। आज के लेसन में हम सेव एनिमल यानी कि हाथी की ड्राइंग कैसे निकालते हैं, कैसे कलर करते हैं, ये देखने वाले हैं। बच्चों, मैंने आपका पहला लेसन लिया था लाइन्स का। उस लाइन्स के लेसन्स में हमने स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, वेव लाइन, क्रॉस लाइन और सर्कल, ये सब लाइन हमने देखी थी। आई होप आप वो लाइन्स की प्रैक्टिस घर में हर रोज करते होंगे, क्योंकि लाइन्स की प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो तो हमारा ड्राइंग भी अच्छा हो सकता है। तो आपको लाइन की प्रैक्टिस घर में हर रोज करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। अब हम ड्राइंग निकालते ही तो ड्राइंग निकलते समय हमें पेंसिल्स कैसी पकड़नी चाहिए, तो पेंसिल्स इतनी दूरी पे हमें पकड़नी चाहिए, नजदीक नहीं और इतनी दूर नहीं, मीडियम साइज में इतनी दूरी पे हमें पेंसिल पकड़नी चाहिए। पेंसिल का स्ट्रोक्स कैसा होना चाहिए, लेफ्ट से राइट, यानी कि सीधा, उल्टा नहीं, सीधा। उसके बाद ड्राइंग के बाद हम कलर कौन से यूज करते हैं, तो मैं तो ऑयल पेस्टल्स यूज करती हूँ, ये वाले। आपके पास भी ये कलर्स होंगे, नहीं तो आपके पास अलग कंपनी के अलग पेस्टल्स होंगे, वो भी यूज किया वो भी चलेगा। तो उसके बाद मैंने आपको पेंसिल के बारे में बताया, तो मैं आपको कलर के बारे में बता देती हूँ कि कलर हाथ में कैसे पकड़ना है। कलर हाथ में सेम पेंसिल के जैसे थोड़ी दूरी पे पकड़ना है, और वो हमें इस स्ट्रोक्स में, येलो कलर दिखता नहीं है तो हम ऐसे, जैसे पेंसिल हम ड्रॉ करते हैं, पेंसिल पकड़ते समय हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, सेम वैसे ही कलर की स्ट्रोक्स भी हमारी होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन्स। ओके, आज का लेसन्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन्स हमारा हाथी की ड्राइंग होगा। आज हम हाथी की ड्राइंग निकालने वाले हैं और उसे कलर भी करने वाले। तो पहले हम ड्राइंग कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ओके, तो पहला एक बर्ड इसी वेव लाइन मीडियम साइज में, उसके बाद हाथी की सूंड, उसके बाद हाथी के दो आंख, उसके बाद ये छोटे छोटे लाइंस, इसके बाद निकालेंगे हाथी का मुंह, उसके बाद हाथी का कान, उसके बाद हाथी का दूसरा कान, उसके बाद उसकी बॉडी यानी कि उसका पेट, इसके बाद ये होने के बाद उसके दो पैर,
उसका आगे वाला पैर। ओके, ये पानी में खेल रहा है तो उसकी सोंड में से पानी के बूंद। ओके, छोटे छोटे पत्थर, ग्रास, एक पीछे ट्री, उसके बाद ऊपर एक सन, छोटा सा, ओके? अब इसे हम कलर करेंगे। तो हमने ये हाथी की ड्राइंग निकाल ली है, अब इसे हम ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करेंगे। हमने जो ड्राइंग निकाला है उस पे ही आउटलाइन करनी है, मतलब बॉर्डर करनी है ब्लैक स्केच पेन से। ओके, कंप्लीट। अब हम ड्राइंग को कलर करने वाले हैं। ओके, बॉर्डर का मतलब होता है बच्चों, जो हमने ड्राइंग निकाला है उस पे ही, उसके पेंसिल के लाइन पे ही हमें ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर करनी है, मतलब आउटलाइन करनी है। तो क्या होता है, ये जो हमने ड्राइंग निकाला है वो ड्राइंग भी अच्छा दिखता है और उसे कलर करने के लिए भी हमें पॉसिबल हो जाता है। बच्चों हमने देखा है, हमने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वेव लाइन, सब लाइन की हमने प्रैक्टिस की है और हमने पहले लेसन में भी वो जो लाइंस है
वेव लाइंस, क्रॉस लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, सर्कल, ये भी हमने देखा है। तो बच्चों आपके समझ में आ चुका होगा ये जो ड्राइंग है पूरा हमने निकाला है वो हमारे लाइंस के वजह से हमने निकाला है। लाइंस नहीं होती तो हमारा ड्राइंग इनकम्प्लीट है। चलो तो हम अब ड्राइंग को कलर करते हैं। हम पहले सन को कलर देंगे। सन को कलर कौन सा होता है बच्चों? येलो। तो हम सन को पहले येलो कलर देंगे। उसके बाद ट्री को कलर देंगे हम। हमने जो ड्राइंग निकाला है उसके ही अंदर हमें कलर फिलअप करनी है। कलर लाइन के बाहर आनी नहीं चाहिए। ओके इसके बाद थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा कौन सा ग्रीन है? लाइट ग्रीन। ओके उसके बाद नीचे ब्राउन कलर। उसके बाद ग्रास को देंगे हम लाइट ग्रीन कलर। उसके बाद अब हम हाथी को कलर देंगे। इसके बाद हम हाथी को कलर देंगे। पहले हाथी के मुंह में ये रेड कलर, ओके हाथी के आंखों में ये ब्लैक कलर, उसके बाद नाखूनों को ब्राउन कलर। उसके बाद हाथी को कलर देंगे। पहले कान में या गाल पे थोड़ा सा ब्लश क्रीम कलर का,
उसके बाद कान में थोड़ा सा लाइट पिंक, उसके बाद देंगे हम ग्रे कलर। हाथी के पूरे बॉडी में हम ग्रे कलर देंगे। ओके, इसके बाद ऊपर से लाइट, यानी कि मैंने जहाँ जहाँ दिखाया है वहाँ वहाँ ही ब्लैक कलर का यूज, वो भी लाइट कलर, हल्के हाथों से। ओके, उसके बाद हाथी पानी में खेल रहा है, तो ये पानी के बूंद भी ब्लू कलर के। इसके बाद नीचे जो वो पानी में खेल रहा है वहां ब्लू कलर, पानी का ही ब्लू कलर, यानी कि हमारा वो प्राइमरी कलर। उस पे जैसे हमने हाथी में ये ब्लैक हल्के हाथों से किया, वैसे ये ब्लू हल्के हाथों से। ओके, उसके बाद लाइट ब्राउन कलर वो नीचे। Thank you.
उसके बाद छोटे छोटे ग्रास दिखाएंगे हम जमीन पे। उसके बाद ये जो स्टोन है वो स्टोन को ब्राउन कलर, और नीचे से थोड़ा सा ब्लैक कलर, ओके। उसके बाद जो हमें पीछे दिख रहा है वो बैकग्राउंड में, उसे स्काई ब्लू कलर पर हल्के हाथों से। उसके बाद उसके सोल पे हम छोटे छोटे बर्ड, ओके। ये हुई हमारी बेबी हाथी की ड्राइंग। ये ड्राइंग आपको घर निकालनी है और वो कैसे कलर दिखाई है वैसे आपको वो कलर भी करनी है, ओके बच्चों। तो आपको ये घर में करनी होगी। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है ड्राइंग कैसे निकालते हैं, कलर कैसे करते हैं, वो आपको करना है, ओके। और मुझे दिखाना है।